हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, फैशन हॉलिक गरिमास लाइव। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिवाली आने वाली है, मैंने अपनी दिवाली की जो शॉपिंग है वो शुरू कर ली है। आज मेरे पास है होम डेकोर के बहुत प्यारे प्यारे से आइटम्स जिन्हें मैंने परचेस किया है मीशो से। एंड इतने सारे पार्सल्स हैं जो मेरे पास रखे हुए थे काफ़ी टाइम से, आज मैंने सोचा कि इनकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। एंड जब अनबॉक्सिंग कर ही रहे हैं तो आपके साथ रिव्यू शेयर करना तो बनता है, सो आपके सामने इनकी अनबॉक्सिंग भी करूँगी एंड आपको इनका प्रॉपर रिव्यू दूंगी कि किस तरीके का आया है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, कलर, साइज़ सब कुछ हम बात करेंगे इस वीडियो में, ताकि आप भी अगर अपने घर के लिए कुछ अच्छा सा लाइक होम डेकोर के लिए कोई आइटम के लिए सर्च कर रहे हैं और इनमें से आपको कुछ पसंद आता है तो आप बिल्कुल इस वीडियो के थ्रू, मैं आपको कोड भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सब कुछ अनबॉक्स करने के लिए। ये है सबसे छोटू वाला प्रोडक्ट एंड ये है सबसे बड़ा वाला। अभी मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है कि छोटा वाला पहले ओपन करूँ या बड़ा वाला। सो बड़ा वाला हम रख देते हैं, लास्ट में इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले ये छोटू वाला ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या है। मुझे है ना अनबॉक्सिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए कोई भी चीज़ें हो जो मेरे पास आती हैं वो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अनबॉक्स करते हुए। वाओ, देखो प्रॉपर बबल रैप करके इन्होंने भेजा है ये वाली पैकेजिंग एंड देन इसके बाद ये, एंड इसके अंदर ये देखिए ये प्लास्टिक कोट भी है। सो ये है फ्रिज मैग्नेट जो मैंने अपने फ्रिज के लिए ऑर्डर किया था। मुझे लाइक ये रैंडम फाइंड जाता था, जस्ट मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी एंड मुझे ये दिख गया था। पैकेजिंग के लिए तो बिल्कुल 10 out of 10 है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से पैकेजिंग करके भेजी है प्रोडक्ट की। ओके, सो ये देखिए ये फ्रिज मैग्नेट मुझे रिसीव हुआ है, कुछ इस तरीके का है ये दिखने में, वुडन का है। इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लाइक जब आप अनबॉक्स करते हैं और आपको पहली नज़र में देखकर ही क्वालिटी तो समझ में आ ही जाती है किस तरीके की है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसमें लिखा हुआ है फॉलो योर हार्ट एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट। ये देखिए इसमें लिखा है स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, हेल्पफुल, लव, काइंड, कैपेबल, मतलब कुछ ना कुछ कोटेशन इसमें लिखा हुआ है। एंड ये देखिए बहुत प्यारा सा है, इसके पीछे में आपको इस तरीके से मैग्नेट मिल जाएगा, आप अपने फ्रिज में इसको स्टिक कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, कलरफुल है इसलिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा ये फ्रिज में लगाने के बाद। एंड सब कुछ अच्छे से, क्वालिटी वगैरह सब कुछ इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस प्रोडक्ट को मैंने अंडर ₹190 परचेस किया है एंड इस रेंज में ये वाला जो प्रोडक्ट है वो मस्ट बाई है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का है एंड इसको ओपन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको मैं कहाँ से कट करूँ। एक मिनट में इसको पूरा ओपन करके आपको दिखाती हूँ। भी खतरनाक पैकेजिंग आई है इसकी। ओके, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये प्यारा सा, इसमें भी आप देख सकते हैं पूरे अच्छे से बबल रैप करके इन्होंने भेजा है, मतलब पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि बहुत कम रेंज में मैंने सब कुछ खरीदा है। ये लाइक 150 और 160 समथिंग का प्रोडक्ट है एंड इतना पैकेजिंग करना, फिर इनका फ्री डिलीवरी होता है मीशो का, आप सभी को पता होगा अगर आप मीशो के कस्टमर हैं तो। सो पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये देखिए ये वाला जो स्टैचू है ना, ये मेरे घर पे ऑलरेडी था रिसेंटली, अभी एक बच्चे ने लाइक मेरे घर पे आके ये उससे गलती से टूट गया। सो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना, ये देखिए बहुत प्यारा सा स्टैचू है ये, इसको आप किसी ऐसे जगह पर रख दीजिए जहाँ पर बैठ कर आप इसको बार बार देख सकते हैं, ये देखने से ही ना आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आएगी, तो इसलिए मैंने इस जो स्टैचू है इसको वापस से मंगाने का सोचा। इसमें लाइक मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टैचू के लिए रिव्यू देने जैसा कुछ भी नहीं है क्योंकि फिनिशिंग देखिए आप, काम की जो इसका जो काम है वो कितना प्यारा फिनिशिंग हो रखा है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लाइक ये इसका जो जिस मटेरियल से ये बना है या जिस चीज़ का इसमें यूज़ हुआ है बनाने में, वो मुझे ऐसा लगता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, बाकी मैं श्योर नहीं हूँ कि ये किस चीज़ से बना है, लेकिन
टच करने से समझ आता है ना कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ है। फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको देखकर समझ में आ रहा होगा। प्योर वाइट इसका कलर है एंड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती है। इसको आप यदि किसी अपने घर के कॉर्नर में रखेंगे तो आपको खुद ही फील होगा। सो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट है एंड 160 समथिंग की रेंज में मैंने इसे लिया है। सो इस रेंज में ये वाला भी जो प्रोडक्ट है ना वो मस्त। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मुझे टच करके समझ आ चुका है कि ये क्या है। ये है प्रिंटेड टेबल क्लॉथ। देखिए कितना सुंदर सा इसका प्रिंट है, मल्टी कलर है इसका एंड इसका जो मटेरियल है ना वो प्योर कॉटन का ये कपड़ा है। बिल्कुल किसी भी तरीके का मिक्स कॉटन नहीं है, प्योर कॉटन है ये। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने इसको परचेस किया है अपने टी टेबल के लिए। लाइक पीछे जो आप मेरा सोफ़ा देख रहे हैं ना उसके साथ मेरे पास वुड का टेबल है एंड वुड के टेबल में ना बच्चे कई बार कलर गिरा देते हैं या कुछ ऐसा पेंसिल से लिख दे रहे हैं तो उसका जो लाइक टेबल का कलर है ना वो ख़राब होते जा रहा है। तो मैंने सोचा कि एक कवर लेते हैं और ये वॉशेबल है कम्प्लीटली। आपको जैसा कि मैंने बताया कॉटन है तो इसको हम ईजिली वॉश कर सकते हैं। जितने बार भी ये गंदा होगा तो हम इसे वॉश करके वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। सो टी टेबल के लिए मैंने इसे लिया है। मल्टी कलर है इसका, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं है, मैं प्रोडक्ट कोड दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट की पैकेजिंग कुछ इस तरीके की आई है। बहुत खास नहीं है पैकेजिंग, जस्ट एक कार्डबोर्ड के अंदर रखा हुआ है। ओके, सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है बहुत प्यारा सा वॉल हैंगिंग। आप देखिए कि ये कितना ज़्यादा सुंदर है। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है लाइक मल्टी कलर इन्होंने यूज़ किया है एंड बीच में ये बड़ा सा आउल बना हुआ है। आउल हमारे यहाँ तो ऐसा मानते हैं कि अगर आप अपने घर में रखते हैं, वैसे तो इस वॉल हैंगिंग ये एंट्रेंस के लिए है, अगर आप अपने एंट्रेंस पे इसे लगाते हैं ना तो लक्ष्मी माँ का आगमन होता है, हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं। वैसे आप चाहें तो अपने घर के किसी भी वॉल पे इसे डेकोरेट कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा अच्छी आई है क्वालिटी, लाइक ये पूरा वुड का बना हुआ है। आप पीछे देखिए ये पूरा वुड का बना हुआ है। फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी। 150 की रेंज में मैंने इस प्रोडक्ट को परचेस किया है एंड 150 की रेंज में इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, इसकी जो फिनिशिंग है एंड प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो ये वाला प्रोडक्ट भी इस रेंज में मस्ट बाय है एंड इसके लिए बड़ा वाला थम्स अप है गाइस। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला जो वॉल हैंगिंग है वो देखिए। ओके, सो बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट की, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि इसकी जो पैकेजिंग है वो काफ़ी अच्छी आई है और ये बहुत बहुत बड़ी सी पैकेजिंग है तो मुझे समझ में आ चुका है कि ये क्या है। अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं एंड इसकी अनबॉक्सिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर में क्या है। ओके, सो ये है हैंडीक्राफ्ट फ्लावर डेकोरेटिव बाउल और ये देखिए ये कितना ज़्यादा सुंदर है। मैंने जब इसे देखा था मीशो पे तो मुझे लगा था कि ये बहुत लाइक चीप सा मटेरियल होता है ना, वैसे मटेरियल का हल्का सा कुछ बाउल आएगा जिसे मैं एक दो बार यूज़ करूँगी और उसके बाद फिर थ्रो कर दूँगी, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। मतलब ये एकदम से हैवी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये हल्का है। वर्क की जो फिनिशिंग है वो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें वर्क हुआ है। बीच में इस तरीके से फ्लावर्स बने हुए हैं एंड कॉर्नर पे ऐसे कर्व्स बना हुआ है। बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन है इसका। बैक में आपको इस तरीके से ये हिले डुले ना, उसके लिए इन्होंने कुछ प्लास्टिक का, प्लास्टिक नहीं बोल सकते इसको, ये टायर वाला जो रबड़ होता है ना उसको छोटा छोटा सा यहाँ पर चिपका दिया है तीन, ताकि ये जब आप इसे रखेंगे तो इसमें आप जब पानी डालेंगे तो ये ऐसा हिले डुले ना उसके लिए। एंड इसमें ना आप थोड़े से पानी डाल के, फ्लावर्स डाल के, जो टी पॉट कैंडल्स होते हैं वो बीच बीच में डाल के अपने घर के किसी भी कॉर्नर पे, टेबल पे, या फिर आपके घर में अगर कोई मंदिर है तो फेस्टिवल के टाइम पे इस तरीके से इसमें फ्लावर डाल के आप डेकोरेट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इसका जो कलर है वो आप देख सकते हैं गोल्डन कलर है एंड मैंने इसे 400 की रेंज में लिया है। सो इस रेंज में ये वाला भी जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल मस्ट बाई है। इस प्रोडक्ट के लिए आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अभी तक मैंने आपको जितने भी आइटम्स दिखाए हैं होम डेकोरेशन के वो सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप बिना सोचे समझे कोड देख कर अगर आपको सेम प्रोडक्ट चाहिए तो आप परचेस कर सकते हैं। ऑल्सो सब कुछ एकदम एफोर्डेबल रेंज में है, लाइक बहुत हाई कॉस्ट में जाने की आपको ज़रूरत है नहीं। मीशो में लाइक शॉपिंग करने का ना बस एक यही फ़ायदा है कि आप अगर दूसरे वेबसाइट में देखेंगे ना तो जो चीज़ें आपको 700-800 की मिलेगी वो आपको यहाँ पर 400-500 तक भी मिल जाती है। लाइक ये वाला जो मैं आपको बता रही हूँ बाउल, ये आप
कहीं और वेबसाइट में चेक करना, ये आपको 1000 रुपीज से नीचे कहीं भी नहीं मिलेगा। एंड मैंने इसको 400 की रेंज में परचेस किया है। सो आज तो मीशो ने मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर दिया, बहुत खुश हूँ मैं सारे प्रोडक्ट को देखकर। कुछ एक दो प्रोडक्ट अभी मेरे पास आने बचे हैं, जो अगर आ जाते हैं तो मैं उसकी अनबॉक्सिंग एंड उसका रिव्यू शॉर्ट्स में शेयर कर दूंगी। सो वहाँ पर भी आप ज़रूर चेकआउट करना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल है, तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि दीदी आप अपना होम टूर कराओ, तो दिवाली के टाइम पे होम टूर का फुल ब्लॉग आएगा। सो आप ज़रूर देखना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। ऑल्सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे व्लॉग्स, मेकअप हैक एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेयर करती रहती हूँ, जो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।